गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, विंडोज के अंदर अगर आप स्क्रीन में कुछ रिकॉर्ड करते हो तो इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है। विंडोज के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर आता है, वो भी प्री इंस्टॉल होता है, विंडोज 11 के अंदर है, 10 के भी अंदर है। उसके अंदर एक पोर्शन, छोटा सा पोर्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, फुल स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीन का जो ऑडियो है के साथ साथ माइक का जो ऑडियो होता है उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हो। किस सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे कर सकते हो, चलो आज आप लोगों को हम सिखा देते हैं। वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विंडोज में रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर प्रीबिल्ट आता है, उसका नाम है स्निपिंग टूल, जिसके मदद से हम विंडोज के अंदर किसी भी पोर्शन का पिक्चर ले सकते थे। लेकिन अभी उसमें रिकॉर्डिंग का भी फीचर आ चुका है। आपको स्निपिंग टूल को सर्च कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो हमने स्निपिंग टूल को ओपन कर लिया है। तो स्निपिंग टूल में अगर आप रिकॉर्ड करने जाओ तो वहाँ पर अगर कोई एरर देखे तो आप यहाँ पर आई बटन पे देख सकते हो, एक वीडियो है, उसको जाकर उस एरर को भी फिक्स कर दो। तो हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको खोलने के बाद सबसे पहले कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है स्निपिंग टूल के अंदर, और यहाँ से आपको कर देना है ये वीडियो वाला आइकन के ऊपर क्लिक। उसके बाद आपको करना है न्यू। अभी यहाँ पर देख सकते हो आपको दिखा रहा है कौन सा पोर्शन का आप लेना चाहते हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो हम एक पोर्शन को कर लेते हैं, आप चाहो तो फुल स्क्रीन को भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने कुछ पोर्शन को ऐसे करके कर दिया। ऐसा नहीं है ये करने के बाद आप इसको मतलब अप डाउन नहीं कर सकते हो, मतलब चाहो तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये कर देने के बाद आपको यहाँ पर दो तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो आपका स्क्रीन का जो ऑडियो है उसको म्यूट कर सकते हो, या ना चाहो तो ऐसे ही रहने दे सकते हो। और उसके बगल में आपका माइक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, चाहो तो आप इसको म्यूट कर सकते हो या फिर आपको अनम्यूट अगर लगे तो कर देना। तो हम इसको अनम्यूट कर देते हैं और इसको रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने जो बोला अगर स्टार्ट करने के बाद आपको नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस एरर को फिक्स कर सकते हो। अभी यहाँ पर देख सकते हो हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, मतलब इस वीडियो के अंदर आप मेरा ऑडियो को भी सुन सकोगे। और मैं यहाँ पर एक वीडियो को चलाता हूँ। Hi guys, welcome back to the video. So, आज का वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ओमेगल पे जाओ। अभी इसको हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। बाय द वे आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हो, यहाँ पर सिंपली सेव एस पे जाकर आप इजीली सेव कर सकते हो अपने हिसाब से नाम देकर। या तो अगर आप चाहते हो कि इसको आप बिना सेव किए व्हाट्सएप के अंदर भेजना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं मेरा एक ग्रुप के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर अगर मैं इसको सिंपली पेस्ट करता हूँ तो अब यहाँ पर देख सकते हो वो जो वीडियो है इजीली आ चुका है। इस वीडियो को मैंने सेव भी नहीं किया और सिंपली मैं किसी को भेज सकता हूँ। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो प्रीविल आता है, तो आपको कोई भी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं है, और इसका जो वीडियो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। बाय बाय।